ब्रेक तो बाद एक बार मुड़ स्वागत है। डोनल्ड ट्रंप ते किम जोंग उन दी मुलाकात रद्द हो चुकी है, पर कि इस घटना नूं यादगार बनाउण दे लई स्मारक सिक्के जारी किए जाण वाले सन। लोगों विच दुविधा इस गल नूं लैके है कि दो तरह के सिक्के बनाए जाने सन। लोगों की खिच का केंद्र वह सिक्का है जिस नूं वाइट हाउस कम्यूनीकेशन एजेंसी ने जारी किया है। इस विच ट्रंप ते किम जोंग उन दी गलबात नूं दर्शाया गया है। इस तरह का सिक्का आम तौर उत्ते विदेशी मेहमानों ते डिप्लोमेटा नूं भेट किया जाता है। ट्रंप किम जोंग अते दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन ने नाल एक दूजा सिक्का भी वाइट हाउस गिफ्ट शॉप वैबसाइट उत्ते उपलब्ध है। इसकी प्रसिद्धि वधदी जा रही है। मांग इन्नी है कि कई खरीददारों ने नाल एक लॉग इन कर्ट उत्ते भी गिफ्ट शॉप की वैबसाइट क्रैश हो गई है। शुरू के सिक्कों का मुल 1692 रुपये रख्या गया से, पर बाद विच इस उत्ते रियायत दे के इस 1352 रुपये कर दिता गया। वीरवार तो गिफ्ट शॉप की वैबसाइट उत्ते शिखर सम्मेल ना होने उत्ते पैसे वापसी की पेशकश भी की गई है, पर हुण वैबसाइट लिख रहा है कि ज़्यादातर समर्थक इस गलबात ना होने के बावजूद इस सिक्के अपने कोल रखना चाहते हैं। अमरीका की फैडरल कोर्ट ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के चोण अभियान के प्रमुख रहे पाल मनफोर्ड के केस की सुनवाई होर दो हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी है। अदालत में मनफोर्ड उत्ते बैंक अते टैक्स के विच धोखाधड़ी करन दा मामला चल रहा है। मनफोर्ड के केस की सुनवाई कर रहे जज TS एलिस ने केस की अगली सुनवाई 24 जुलाई तय कर दी है। पहला उन्होंने उत्ते सुनवाई की तरीक 10 जुलाई निर्धारित की गई सी। एलिस ने कहा है कि व्यक्तिगत कारण करके केस की सुनवाई दो हफ्तों लिए मुअत्तल की गई है। इस साल मार्च के वर्जीनिया की फैडरल अदालत ने धोखाधड़ी समेत 18 मामलों के मनफोर्ड को दोषी नहीं मनिया सी, पर विरोधी धिर ने दलील दी कि अगली सुनवाई के 20 तो 25 गवाहों वह पेश करेगा। जेकर मनफोर्ड दोषी पाया जाता है तो उन्होंने करीब 305 साल की सज़ा हो सकती है। उत्थे एक होर मामले के वाशिंगटन उन्होंने केस की सुनवाई 17 सितंबर को शुरू होगी। इस दे विच मनफोर्ड उत्ते रूसी यूक्रेन समर्थक नेतावान लिए कम कर मनी लॉन्डरिंग जुड़े मामलों की वाशिंगटन गलत जानकारी देने का दोष है। हालांकि मनफोर्ट ने अपने उपर लगे सारे दोषों तो इनकार किया है। अमरीका की सबका विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन राजनीतिक जीवन छड़ के विश्व की सब तो वड्डी सोशल नैटवर्किंग साइट फेसबुक की अगवाई करन की इच्छा रखती है। एक अंग्रेजी अखबार मुताबक मैसाचुसेट्स दे डेमोक्रेटिक अटारनी जनरल मोरा हिले ने जदों हिलेरी नूं पुछया कि वह किहड़ी कंपनी की CEO बनना पसंद करेगी तो इस दे जवाब दे विच हिलेरी ने बिना सोचे समझे फेसबुक का नाम लिया। हिलेरी ने कहा है कि यह दुनिया के समाचार का सब तो वड्डा प्लेटफॉर्म है। साडे देश की एक वड्डी आबादी नूं फेसबुक तो ही खबर मिलती हैं, फिर चाहे वह सच्चिया होण जां झूठियां। हिलेरी शुक्रवार को हार्वर्ड दे विच सी जिथे उन्होंने रेड क्लिफ मैडल नाल निवाजिया गया। यह पुरस्कार उन्होंने लोगों को दिता जाता है जिन्हों ने समाज उत्ते परिवर्तनकारी प्रभाव पाया होवे। And I am honored that this class has invited me to be your speaker. Now, I see, looking out at you, that you are following the tradition of over-the-top hats. So I brought a hat, too. A Russian hat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को रेडियो प्रोग्राम मन की बात राही संबोधित किया। उन्होंने प्रोग्राम की शुरुआत भारतीय जल सेना दी 6 महिला कमांडरों को 250 तो ज़्यादा दिनों तक समुद्र राही INCV तारिणी विच सवार होकर पूरी दुनिया की सैर करके 21 मई को भारत वापस आने पर वधाई दी है। मोदी ने कहा है कि इन महिला कमांडर ने वक् वक् महासागर से कई समुद्रों के यात्रा करद लगभग 22,000 नाटिकल मील की दूरी तय की है। यह संसार के अपने आप के एक पहली घटना है। भारत दिया इन धियां ने दुनिया को यह संदेश दिता है कि वह किसी तो घट नहीं हैं। वातावरण के मुद्दे उत्ते गल करद मोदी ने कहा है कि भारत आने वाली 5 जून को अधिकारक तौर उत्ते विश्व वातावरण की मेज़बानी करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली वालों दी चुनौती उत्ते मोदी ने कहा है कि
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ BSF ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਜੂਨ ਕੋ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਪਰ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन विश्व पर्यावरण दिवस को भारत होस्ट करेगा। यह भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में विश्व में भारत के बढ़ते नेतृत्व को भी स्वीकृति मिल रही है, इसका परिचायक है। इस बार की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। मेरी आप सभी से अपील है इस थीम के भाव को, इसके महत्व को समझते हुए हम सब यह सुनिश्चित करें कि हम पॉलीथीन लो ग्रेड प्लास्टिक का उपयोग न करें और प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी प्रकृति पर, वाइल्ड लाइफ पर और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है उसे कम करने का प्रयास करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की वेबसाइट WED India 2018 पर जाएं और वहां ढेर सारे सुझाव बड़े ही रोचक ढंग से दिए गए हैं, देखें, जाने और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब भयंकर गर्मी होती है, बाढ़ होती है, बारिश थमती नहीं है, असह्य ठंड पड़ जाती है तो हर कोई एक्सपर्ट बनकर के ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इसकी बातें करता है, लेकिन क्या बातें करने से बात बनती है क्या? प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना, प्रकृति की रक्षा करना, यह हमारा सहज स्वभाव होना चाहिए, हमारे संस्कारों में होना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों में हम सभी ने देखा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में धूल आंधी चली, तेज हवाओं के साथ साथ भारी वर्षा भी हुई जो कि अनसीजनल है, जानहानि भी हुई, मालहानि भी हुई। ये सारी चीजें मूलतः वेदर पैटर्न में जो बदलाव है उसी का परिणाम है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है, हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बागपत विखे ईस्टर्न पेरीफ्रल एक्सप्रैस वे का उद्घाटन किया। मोदी ने इस तो पहला दिल्ली मेरठ एक्सप्रैस वे का उद्घाटन किया। पेरीफ्रल एक्सप्रैस वे के उद्घाटन तो पहला बागपत विच रैली नू संबोधित करदिया सड़क आवाजाई अते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सप्रैस वे का काम अटके रहन उते पुरानी सरकार नू जिम्मेवार दस्या सी। इस दे नाल ही उन्हां कहा है कि पेरीफ्रल एक्सप्रैस वे अगले साल तक पूरा हो जाएगा तो दिल्ली तो मेरठ तक की दूरी सिर्फ 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। दस दिए कि ईस्टर्न पेरीफ्रल एक्सप्रैस वे गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा ते पलवल नू जोड़ेगा, जिस नाल इस रस्ते उते घंटियां तक का लगन वाला समा भी काफ़ी हद तक घट जाएगा। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेश शर्मा जी, जनरल वीके सिंह जी, श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, यूपी सरकार के मंत्री श्रीमान SP सिंह बघेल जी, सांसद श्रीमान महेंद्रनाथ पांडे जी, श्रीमान रमेश कौशिक जी और इतनी विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चार वर्ष पहले
आपने अपार समर्थन के साथ मुझे पूरे देश की सेवा करने का अवसर दिया। मई की इस गर्मी में और जब दोपहर को सूरज इतना तप रहा है, आपका इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आना इस बात का गवाह है कि चार साल में हमारी सरकार देश को सही दिशा में ले जाने में सफल रही। पीएम जस्टिन ट्रूडो ओंटारियो विच पाउणगे वोट, क्यूबिक एमपी हुए निराश। मिसिसागा बंब धमाके उत्ते कैथरीन विन दा बयान, दोषियों नूं लभण दा दिवाया भरोसा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, किम नाल होण वाली वार्ता लई स्थितियां नूं दस्या अनुकूल। यूएस की सबका विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की इच्छा, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की अगवाई करना चाहती है क्लिंटन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कई मुद्दों उत्ते मन की बात, भारत दी बेटियां नूं किता सलाम। सोच दे नाल ही कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन दे विच फिलहाल इन्ना ही, ते हुण मैनूं इजाजत दिओ ते तुसीं वेखदे रहो सांझा टीवी। धन्नवाद।